हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल और आज हम बात करने वाले कलिंग गेम्स की, जो कि शिबुई आर के बाद सेकंड सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट आर के जुजुत्सु काइसन सीरीज का। उसकी बेस्ट फाइट यानी कि काशिमो वर्सेस हकारी यानी कि गॉड ऑफ थंडर यानी कि गॉड ऑफ लाइटनिंग वर्सेस एक सन की जब आपस में भिड़े थे तो कितनी तबाही मची थी। और हाँ, वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी मजा आएगा। वेल, जो लोग काशिमो को नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं कि ये बंदा सेन गोकू एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रह चुका है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसने अपने टाइम पे सभी बड़े बड़े सॉर्सरर्स को ढूंढ ढूंढ के खत्म करा था। लेकिन काशिमो को अपने लेवल के बंदे से फाइट करनी थी, लेकिन ये बंदा कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। बेसिकली इसे सुकुना, जो कि गोल्डन एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर रह चुका है, उससे फाइट करनी थी। कि तभी एंट्री होती है अपने केंजाकू की, जो कि काशिमो को ऑफर करता है कि वो भविष्य में कलिंग गेम्स के दौरान उसे रीइनकार्नेट करेगा, बदले में उसे सुकुना से फाइट करने का मौका मिलेगा। और ये बंदा कितना ओपी है, तुम इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि गोजो वर्सेस सुकुना फाइट में सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म को अनलॉक नहीं करा था। लेकिन जैसे ही गोजो के मरते काशिमो बैटल अरीना में कूदता है, तो सुकुना को भी अपनी ट्रू फॉर्म को अनलॉक करना पड़ता है। तो हमें काशिमो दिखाया जाता है चैप्टर 158 के दौरान, जब गोजो प्रिज्म रिल में सील हो जाता है और यूजी मेगोमी और पांडा हकारी के पास मदद मांगने जाते हैं। कि तभी हमें यूजी के ऊपर एक शिकिगामी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोगोने, जो यूजी से कहता है कि कलिंग गेम के अंदर 9th रूल ऐड हो चुका है, जो ताकि तुम दूसरे प्लेयर की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। तभी हमें बताया जाता है कि ये रूल ऐड करा है काशिमो ने, जिसके पास रूल को ऐड करने से पहले 200 पॉइंट थे और रूल को ऐड करने के बाद 100 पॉइंट। और जैसा कि हमें पता है कि कलिंग गेम के अंदर किसी भी सॉर्सरर की औकात होती है 5 पॉइंट और एक इंसान की सिर्फ 1 पॉइंट, यानी कि काशिमो अब तक 40 सॉर्सरर को मौत के घाट उतार चुका है, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। और उसने ये रूल इसलिए ऐड कराया ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से फाइट कर सके, यानी कि सुकुना। और फिर हमें काशिमो की असली पावर दिखाई जाती है चैप्टर 184 के दौरान, जहां हमें पांडा दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा होता है और खुद से बात कर रहा होता है और कहता है कि आज से बल्कि अभी से मैं एक टेडी बियर हूं, और वो जिस कंटेनर पे बैठा था वहां से नीचे गिर जाता है। तभी एंट्री होती है अपने काशिमो की, जो कि पांडा को देखकर बोलता है कि शायद ये जानवर यहाँ पे चिड़ियाघर से भाग के आया है। और थोड़ी दया के साथ बोलता है शायद इस पांडा को यहाँ पे चलने में तकलीफ हो रही होगी। जिस पर काशिमो अपने शिकिगामी से बोलता है कि क्या ये भी एक प्लेयर है, जिस पर उसका शिकिगामी कहता है हाँ। इस पर काशिमो अपनी एक इवल स्माइल देता है, और भाई अपना काशिमो तो काशिमो, सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर वो पांडा के चीथड़े उड़ा देता है। और काशिमो पांडा से बोलता है बतख कहाँ है सुकुना, इस पर पांडा मना कर देता है। और जब आखिरी बार काशिमो पांडा से बोलता है ले बतख कहाँ है सुकुना, इस पर पांडा बोलता है कि पांडा ज्यादा बात नहीं करते। इस पर काशिमो एक इवल स्माइल देता है और कहता है कि तू आज के बाद बात ही नहीं कर पाएगा। और वो पांडा को मारने ही वाला होता है कि तभी एंट्री लेता है अपना हकारी, जो कि एक एक काशिमो के मुंह पे मारता है और काशिमो बहुत दूर जाके गिरता है। इस पर काशिमो हकारी से पूछता है कि तुम कौन हो, इस पर हकारी कहता है कि तुम्हारी मौत। और इन दोनों के बीच में खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी फाइट में हमें बताया जाता है कि काशिमो यूज करता है कर्स टेक्निक मैनिपुलेशन, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक अटैक कर पाता है। और काशिमो के इलेक्ट्रिक अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो हकारी के हाथ को खाड़ देता है, पर हकारी रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से अपने हाथ को तुरंत हील कर लेता है। और यहाँ में बताया जाता है कि काशिमो का हर अटैक 100% अपोनेंट को लगता है, इसलिए वो अपना डोमेन कभी खोलता ही नहीं है, क्योंकि डोमेन के अंदर भी एक शॉर्ट इफेक्ट होता है। लेकिन काशिमो के हर अटैक के अंदर शॉर्ट इफेक्ट है, इसी वजह से उसे कभी अपना डोमेन यूज ही नहीं करना पड़ता, इसलिए अब तक हमें मांगा में उसका डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं दिखाया गया है। और इसी फाइट के अंदर हमें बताया जाता है कि काशिमो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट के अंदर मास्टर है, क्योंकि वो कुछ ही समय के अंदर हकारी की बैंड बजा के रख देता है और हकारी खुद को बार बार रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से हील कर रहा होता है। और जब काशिमो हकारी के साथ फाइट के एंड में होता है, तब हमें काशिमो का बैटल आईक्यू दिखाया जाता है, जहाँ काशिमो प्लान करता है कि वो ओशन के अंदर कूद जाएगा और किसी तरह हकारी को ओशन के अंदर गिरा के उसे इलेक्ट्रिक शॉक देगा, जिससे हकारी का खेल खत्म। बट इसमें रिस्क है, क्योंकि ऐसा करते ही काशिमो की सारी कर्ज एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर काशिमो ऐसा ही करता है, वो पानी के अंदर कूद जाता है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़छाड़ कर एक जहरीली गैस बनाता है, जिसे सूंघते ही हकारी पानी के अंदर गिर जाता है। लेकिन पानी में गिरने के बाद भी हकारी कोई हलचल नहीं करता, जिस पे काशिमो सोचता है कि ये तो मर गया। लेकिन असल में हकारी काशिमो के मजे ले रहा होता है, और जैसे ही काशिमो का ध्यान भटकता है, वो उसके मुंह पे दो मुक्के जड़ देता है। कि तभी हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिसके अंदर से निकलता है काशिमो और पांडा के आगे जाके गिरता है हकारी का हाथ, जिसे देखने के बाद पांडा की फट के हाथ में आ जाती है। कि तभी हकारी हमें बाहर आता हुआ दिखता है, और वो आते ही काशिमो के मुंह पे एक मुक्का जड़ देता है, जिससे काशिमो हैंड टू हैंड नॉकआउट हो जाता है। कि तभी हमें फ्लैशबैक बताया जाता है कि धमाके से ठीक पहले काशिमो हकारी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि धमाका होने से पहले हकारी अपना हाथ उखाड़ लेता है, जिससे कि पूरा डैमेज उसके हाथ पे आता है, ना कि उसकी बॉडी पे। और इसी तरह हकारी जानलेवा हमले से बच पाता है। कि तभी हम काशिमो के सामने हकारी को देखते हैं, और वो काशिमो से पूछता है कि तुम चाहते तो इसे जल्दी खत्म कर सकते थे, पर तुमने ऐसा करा क्यों नहीं। यहाँ काशिमो कहता है कि मैंने इसे किसी के लिए बचा के रखा था, मतलब काशिमो ने अपनी असली टेक्निक रिवील ही नहीं करी थी। अगर वो अपनी असली टेक्निक का यूज करता तो वो कब का हकारी को मार चुका होता। काशिमो ने अपनी कर्स टेक्निक बचा के रख रखी है रोमन सुकुना के लिए। और भाई मांगा में काशिमो और सुकुना के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी है। बाकी तुम्हारे
इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करो। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।